चैनल मिस्टर एंड मिसेस लाबी। तो अभी मैं जा रही हूँ आज मीटअप में और मैं आई हुई हूँ अहमदाबाद और आज ये मेरा फर्स्ट मीटअप है यूट्यूब की तरफ से। सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे, जाके ही पता चलेगा। सो ये मैंने आउटफिट पहना है, बिल्कुल नॉर्मल एंड सोबर आउटफिट पहनना था तो मैंने ये वाला आउटफिट पहना है। एंड अब चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। मेरा फर्स्ट है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट देखने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पे कैसा क्या होता है। चलो मेरे साथ आप। अभी हम निकल चुके हैं दी के घर से और जहाँ पे मीटअप है वहाँ लोकेशन पे हम जा रहे हैं। वैसे आज मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, फेस मेरा दलदल सा लग रहा है, हो सकता है ट्रैवलिंग से लग रहा हूँ बट दल लग रहा है। तो गाइज अंदर जाते ही हमें मिलता है ये बैंड और हम ईमेल चेक की जाती है यूट्यूब की तरफ से, उसके बाद हमें ये बैंड मिल जाता है और इस बैंड पे ही वो मार्क करते हैं कि आपको कौन सी टेबल सीट मिली है। तो मुझे ये वाली टेबल सीट मिली थी, यहाँ मेरी बेटी कुछ कर रही है, बाकी लोग है ना इधर उधर घूम रहे थे। और फिर हमें यहाँ पर ये कॉफ़ी और बिस्किट वगैरह मिले, टी ले सकते हैं आप। और ये पूरा हॉल आप देख सकते हैं, ये होस्ट कर रहे थे और ये दो जो पिंक कलर के ड्रेस में हैं इन्होंने ही ये मीटअप होस्ट किया था। तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे क्रिएटर्स मिले, बहुत सारे क्रिएटर्स से हमने पूछा। ये दीदी बैठी है रॉक एंड रील नाम से इनका चैनल है, ये काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती है और इनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो हमने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स से मैं मिली, बहुत सारे क्रिएटर्स से मैंने बात की पर्सनली, तो वो भी वीडियो मैंने ली है, छोटी छोटी क्लिप्स ली है। तो आप लोग उनको देखना और आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे मीटअप होता है। उसके बाद मेरी टेबल पर कुछ ये कुछ रखा हुआ था सामान, तो यहाँ पर मैं देख रही थी ये ऑफिशियली क्रिएटर्स के लिए है। तो यहाँ पे जब मैं मार्क लगाने थे इन पे और ये गेम होने वाले थे यहाँ पे, बहुत फनी फनी गेम्स भी हुए थे, बट उससे पहले ये वाली टेबल पे रखा हुआ रहता है और आपको इस पर मार्क करना पड़ता है कि आप पे कितने व्यूज़ हैं और कितने आप मतलब जिस जगह जगह रहते हो उस सिटी की ब्लॉग्स बनाते हो और सिटी चैनल का नेम अजय खवास। चैनल का नेम भी यही है और आपका नेम? मेरा नेम यही है। अच्छा, आपके लाइफ स्टाइल तो वीकली बनाते हो या डेली बनाते हो? नहीं, वीकली में एक हो जाता है। ओके, अहमदाबाद से होते हैं। अच्छा, आप प्रॉपर अहमदाबाद से ही हो? थैंक यू। यहाँ मैंने रैंडमली एक वीडियो शूट किया है, ये देखो ऐसे राउंड घूमने का, क्योंकि मेरा फर्स्ट मीटअप था और मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था मीटअप में कि मीटअप होता क्या है, ये मुझे यहाँ आके ही पता चला। जब तक पंजाब में आपके चैनल का नेम? मेरे चैनल का नाम है फिल्म ओवाय, FILMOVOY। मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं यूट्यूबर्स को मैनेज करता हूँ, मेरी एक छोटी सी IT कंपनी है और मेरा यूट्यूब पे तो 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइब करो। और हमने एक फोटो खींचा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ये आपको फोटो दिखा रहे हैं, कौन है ये? वाह, सो क्यूट, माय गॉड, है ना? यस, भैया ने मेरी डॉटर की फोटो ली, कितनी सुंदर फोटो ली है, सो बहुत क्यूट। थैंक यू भैया इस फोटो के लिए। हाँ, सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल का। Yeah. My name is Dhruvin, I'm an educational content creator and I'm creating a content around coding. So if you are wanted to do coding, just follow me. Like and share and subscribe channel. Guys. Fairly first of all, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह वालेरा, मेरे YouTube चैनल का नाम नॉमेडिक जर्नी है। अच्छा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा YouTube ने एक इन्विटेशन उठाया है कि फैन पेज जो करते थे मुंबई में या फिर बेंगलुरु में या दिल्ली में होता था, तो हर जगह वापस सब क्रिएटर नहीं पहुंच पाते थे या फिर सभी को इनविटेशन नहीं मिलता, राइट?
तो अभी यूट्यूब ने एक बहुत बढ़िया एक माध्यम बनाया है कि आपके जो लोकल क्रिएटर है उनसे आप हर सिटी में अलग अलग सिटी में चले, जैसे अभी मुंबई में हुआ 3 तारीख को, दिल्ली में होगा, अब अहमदाबाद में हो रहा है, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया है कि लोकल क्रिएटर भी आपस में मिल सके और उनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिले और यूट्यूब के प्रति उनका मोटिवेशन भी स्ट्रॉन्ग बने, राइट। सो यही और बिलीव मिलेगा। आपके चैनल का नेम? मेरे चैनल का नाम नोमेडिक जर्नी है, जो ब्लॉग का है। दूसरा हेल्थ एंड फिटनेस का, उसका नाम मिशन फिट इंडिया है। और टेक्नोलॉजी का, उसका नाम बीएसवी टेक है। और जो म्यूजिक का है, उसका नाम रामदेव डिजिटल है। मेरी वेबसाइट का नाम विक्रम सिंह। चैनल गूगल का लोकल गाइड भी हूँ, लेवल 9। अच्छा, गूगल का भी हूँ और गूगल के प्रोडक्ट एक्सपर्ट भी हूँ। ओके। और बाकी लिंक्डइन पे भी 10K फॉलोअर्स है और सोशल मीडिया पे आर्टिकल मिल जाऊंगा। गूगल सर्च कर लीजिए विक्रम सिंह वाला। यस यस, इन भैया को जल्दी से जाके सर्च कीजिए, गूगल पे भी मिलेंगे तहलका मचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नो इशू भैया, थैंक यू किस बात के लिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। और कुछ आप सवाल करो तो मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। तो आपकी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी, किसको देख के आप मोटिवेट हुए? यूट्यूब में तो मैं बहुत पहले से 2015-16 से वो अंदर टेक का कीड़ा था मेरे। एजुकेशन टेक की नहीं है, लेकिन मुझे म्यूजिक में और टेक में बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से और ट्रैवलिंग में। तो फिर मेरा वो कीड़ा निकल गया, तो मैंने 2010 में मेरी वेबसाइट स्टार्ट करी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। मैंने खुद से सब कुछ किया, डोमेन खरीदना, होस्टिंग वगैरह फला 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 खुद से किया। एडसेंस 2-3 बार एडसेंस उड़ाए, लेकिन जो मेरी पहली इनकम हुई थी वो भी यूट्यूब से हुई थी। मैं बैकग्राउंड से मैं इतना वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, लेकिन इंटरेस्ट होता है ना वो आपको बहुत आगे ले जाता है। तो वैसे शुरू हुआ था। बाकी अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो वरुण बागी सर माउंटेन ट्रैकर के बहुत बड़ा मैं फैन हूँ। और हमने ट्रैक में बात की जाए तो मेरे सतीश भाई बहुत अच्छे दोस्त है। जिस टाइम सतीश भाई ब्लॉगिंग से आए थे ना, उस टाइम मैं भी ब्लॉगिंग से आया। ओके। वो यूट्यूब पे अलग कंटेंट बनाने लगे और फेमस हो गए, ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गए। बाकी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीत मेरी सपोर्ट करते हैं और हम इवेंट में मिलते रहते हैं। बाकी वंशी भाई जैसे मेरे गाते हैं उनसे मुलाकात होती रहती है, और भाई जैसे मेरे बड़े भैया, बाकी ईश्वर की कृपा है, आप सबका प्यार है। सो गाइस, अपना प्यार यूं ही बनाए रखना, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार सपोर्ट और अपना प्यार यूं देते रहना भैया को। दीदी का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब तोड़ दो जो भी हो जाना चाहिए, समझे ना? थोड़ा रुक सब्सक्राइब, हम दम लगा के बोल रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे नहीं पता है, लाल वाला बटन सब्सक्राइब होने जाना मंगता है। सही है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आजकल थोड़ा YouTube पॉलिटिक्स खेलने लग गया है, और बेल देखोगे टाइम और ऑल पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले देखोगे हमें अच्छा लगे, आपको भी मजा आएगा। सही है, सही देखने वाले वीडियो होंगे। सही है भैया, चलो ठीक है, थैंक यू भैया। थैंक यू वेरी मच। आपका नेम क्या है? वंशी मिश्रोई। और आपके चैनल का? चैनल का नेम भी वही है। अच्छा, चैनल का नेम भी वही है। अच्छा, तो आप किस तरह के ब्लॉग्स बनाते हैं? इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर हूं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ब्लॉगर। अच्छा, बाहर का ही वीडियो बनाता हूं, बाहर घूमता हूं। तो शॉर्ट्स भी बनाते हो? नहीं नहीं, शॉर्ट वॉट नहीं, सारी लॉन्ग वीडियोस। कब से स्टार्ट किया आपने अपनी जर्नी? 2018 से। और सक्सेस कब मिली आपको, प्रॉपर इसको बोल सकते हैं? 2018 से सक्सेस मिल गई आपको? फुल टाइम कर रहा हूं। अच्छा, फुल टाइम करते हो? पहले आप जॉब करते थे? जॉब करते थे पार्ट टाइम। 22 के मीट में मैंने फुल टाइम शुरू कर दिया। और अब आप फुल टाइम देते हो यूट्यूब को? जस्ट ए फैमिली, यूट्यूब फैमिली, जस्ट ए फैमिली हुई ना? जस्ट ए फैमिली, आपकी एक फैमिली हुई यूट्यूब, तभी तो आप फुल, तभी तो आप फुल टाइम दे पा रहे हो ना उनको, मेरा कहने का मतलब ये है। YouTube फैमिली के लिए ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, उनको दिखाने के लिए ट्रैवल करते हो कि कंट्रीज में कैसा को कैसे वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, एक आम इंसान बजट भी बताते होंगे, सब कुछ, एक सामान्य आदमी कैसे ट्रैवल करे वो मैं चीज बताऊं। अच्छा, वो सब आप अपने तो सही है, पैसे वाला तो कहीं भी जा सकता है, मीडियम फैमिली वाला इंसान नहीं जा सकता। कैसे जा सके, उसको कैसे हिम्मत मिले, वो चीज मैं दिखाऊंगा। हां, तो वो सब आप बताते हो। ओके भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप क्रिएटर हो, यानी हमसे सबसे बड़े क्रिएटर हो, बट हमारा भी छोटा चैनल है, हमें ट्राई कर रहे हैं, छोटे से बड़े होने में कोई देर नहीं लगती है। इन भैया ने बोला मेरा बहुत छोटा है, मैंने कहा आपके साथ इतने बड़े हीरो बैठे हैं तो आपको छोटा बोलना ही नहीं चाहिए, एक्चुअली आपका तो बहुत बड़ा। छोटा नहीं है, किसी के साथ ज्यादा लोग जुड़े हैं, किसी के साथ कम है, लोग सब बराबर है। आप मेहनत करो, अच्छा कंटेंट लाओ, अच्छा थंबनेल टाइटल होगा तो आप भी बड़े हो जाओगे, देर नहीं लगेगी। लोगों को चाहिए नया कंटेंट, नया वीडियो,
भैया नहीं अच्छी फोटो भी है फंक्शन हो गया है ख़त्म और अब हम बाहर के लिए निकलने वाले हैं कैफ़े से, क्योंकि अनाउंस हो चुका था कि अब ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हमें मिले, बहुत सारे क्रिएटर्स के बारे में जाना, बहुत क्रिएटर्स से मैंने बात भी करी पर्सनली और चैनल को लेके भी मैंने बात करी कि ऐसा क्या करें जिससे चैनल ग्रो करे या फिर जो भी होता है एक मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे आने के बाद। तो यार जब भी आपके पास YouTube की तरफ से अगर मेल आए क्रिएटर में जाने की तो प्लीज़ यार उसको ज्वाइन करो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत लोगों से मिलने को मिलता है, बड़े बड़े क्रिएटर से आप पूछ सकते हो कि उनकी जर्नी भी, वो कहता है कि हम भी छोटे से स्टार्ट हुए थे और आज इतने बड़े बने हैं, तो वो सब यहाँ देखने को मिलता है। फिर लास्ट में हमें जब मैं बाहर आ गई कैफे से तो यहाँ पे मुझे मिलने थे बैग्स, हुडी बैग्स, और उसको लेने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हो गई क्योंकि वो तो मुझे लेना ही था। मैं जब इवेंट में आई थी तब मैंने सोचा कि यार ये तो मैं लेके ही जाऊँगी, और यहाँ पे एक मेल होती है तो अंदर से क्यूआर कोड निकालना पड़ता है और उस पर स्कैन करके ही बाहर आते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद ये हमें हुडी बैग्स दिए जाते हैं, एक एक पर्सनल को एक एक दिया जाता है और वो चेक करते हैं ये भैया। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है हुडी बैग्स और अब इसके साथ मैं सोचा कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं क्योंकि हम आए थे तब बहुत लेट हो चुके थे, तो मैंने बाहर का कुछ भी वीडियो फ़ोटो नहीं लिया था, तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ पे ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसकी वीडियो ले ली। अब इस बैग में क्या है वो तो घर जाके पता चलेगा। तो देखो गाइज ये बैग हुआ, बैग के अंदर निकालती हूँ शायद डायरी है एक, और एक पेन भी मिलता है इसके अंदर, और एक कैप थी, और ये जो था क्रिएटर की तरफ से था कलेक्टिविटी का, और बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर और बहुत मज़े आए मुझे। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, इसको बहुत